ही बना रहे, इसलिए मैं छोटा सा मैं सोच रही थी क्या वीडियो लेके आऊँ, क्या बनाऊँ ऐसा जो आपको मैं सिखा सकूँ। तो एक हाउसवाइफ जो होती है वो सब कुछ करती है, सब कुछ घर का पूरा संभालती है, घर को संभाल संभाल के पूरा हर चीज ध्यान देती है, बजट ध्यान देती है, जैसे कि फैमिली में कितना क्या बजट हो रहा है, कोई बचा था कितने पैसों के, मैं मतलब उनके हस्बैंड कमाते हैं तो घर से सेविंग भी कर सके और कर सके, तो उसके लिए बहुत सी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि हर चीज़ तो कपड़े हैं, सब चीज़ें हैं, सब होता ही है रूटीन में, मगर कुछ छोटी चीज़ें हैं जिससे कि वो अपने पति के पैसों बचा सकती है, कुछ छोटे छोटे काम है जो करके वो दिखा सकती है, रोक सकती है, पैसे कहीं खर्च ना हो पाए। तो मैं छोटे छोटे जुगाड़ अपने घर में कर लेती हूँ, जैसे कि वो आपको दिखाती हूँ कि ऐसे मैं कैसे जुगाड़ करती हूँ जो कि घर में बन जाता है और बाहर जाने नहीं पड़ता, पैसे खर्च भी नहीं होते। आप देख सकते हैं मैं आज वीडियो बनाने जा रही हूँ, एक्चुअली क्वाइट है, और देख सकते हैं मैंने क्या किया हुआ है। एक्चुअली टूट गया था खाना बनाते समय, तो मैंने इसमें लगा दी छोटी सी कील, आप देख सकते हैं ये देखिए, जिससे कि उस टाइम तो काम कर गया, कील लग कर मैंने खाना बना लिया कंप्लीट कर लिया, और गर्म भी था तो मैं इसे ठीक नहीं कर पा रही थी, बट अब मैं इसको आराम से ठीक कर लूँगी। आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग और ये कील इसमें थोड़ा चिपक गई है, बट अब कील को मैं इसमें से निकाल के का यूज कर लें और इससे अपने चीज़ों को बना लें, जिससे कि आराम से मैं खाना बना सकूँ, गैस थोड़ी बच जाए तो लाइट भी खर्च होगी बट ठीक है, अब तो भी गैस भी इतनी महंगी हो चुकी है क्योंकि फिर दिक्कत होती है, थोड़ा सा लाइट खर्च कर लेंगे और मैं ठीक करती हूँ। आप देख सकते हैं कैसे ठीक होता है, ये थोड़ा पति से भी करवाते हैं मेहनत और दोनों बना रहे हैं क्योंकि है संडे, हस्बैंड है घर में, आज उनसे करवाएंगे पूरी मेहनत थोड़ी। मैं खोलना है पीछे वाला पेंच, इसको खोल के लगा दी है स्प्रिंग और थोड़ा सा हो गया है टाइट, अब जल्दी जल्दी फटाफट हम लोग खोलते हैं पेंच कस से। आप देख सकते हैं कि पकड़ के मैं खोल रही हूँ, स्प्रिंग लगा के उसमें टाइट कर दिया पेच में, आप फटाफट पीछे से कस देते हैं। देख सकते हैं आप ऐसे इसी तरह घर के छोटे मोटे काम जैसे नल लगाना, छोटे मोटे बोर्ड, इसके लिए अगर हम किसी को बुलाते हैं तो वो 1500 तो ले लेता है, और नहीं तो कम से कम गिरी हालत में 100, 200, 300 ले ही जाता है, तो इसलिए हम छोटे मोटे काम अपने घर में करेंगे जिससे कि हमारी बचत हो जाए और यही पैसे किसी और काम में आ जाए। इसी तरह मैं बता सकती हूँ, अगर आपको वीडियो में प्लीज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब आपका अगर मन करता है तो आप कर दीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आपको कुछ सिखाना था तो इसलिए मैंने सिखाया और हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, और आप अपना प्यार इसी तरह दिखाए रहिए। एक जगह तार और निकला हुआ था जिससे कि मुझे मतलब बाद में दिक्कत हुई, मैंने चेक कर लिया सारे तार, एक तार और निकला है, मैंने उसे भी सेट कर दिया, आराम से छील के लगा दिया है जिससे से कस रहे हैं। सब चल जाएगा बढ़िया, इलेक्ट्रिक पावर है जो हम करने के पावर जितना ये भी चेक करते हैं, करते हैं चेक बनकर तैयार है कि नहीं है हमारा हीटर। लाइट नहीं आ रही है, जैसे ही लाइट आती है मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा हीटर बनकर तैयार है कि नहीं। देख सकते हैं मैंने प्लग बोर्ड में लगा दिया है, बढ़िया, देखिए फटाफट भी कर मेरा तैयार, कितना तेज चल रहा है।